हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट के द्वारा आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो अर्निंग किए हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में मंगाने के लिए गूगल एडसेंस को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। उसके लिए आप अपने एडसेंस को अपने उस ई मेल आई डी से लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आप जब अपने एडसेंस को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ $100 होने के बाद आपको यहाँ योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड का इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप यहां एक्शन पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस से लिंक कर सकते हैं। या अपने लेफ्ट साइड में आप देखेंगे थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहां इस तरह का इन्फो जो है पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके जब आप स्लाइड अप करते हुए नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ इस तरह का आपको अपडेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां देख पा रहे हैं कि $105.84 होने के बाद हमें इस तरह का नोटिफिकेशन मिल रहा है। आप यहां पेमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस से लिंक कर सकते हैं। या ऊपर में आप यहां आप देख रहे हैं राइट साइड में एक्शन का ऑप्शन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप उसी पेज पर आ जाएंगे जैसा कि आपको पहले हमने लेफ्ट साइड में थ्री लाइन पर क्लिक करके बताया था। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी आपको उसी तरह का पेज आपको ओपन हो चुका है। आप यहाँ अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपने बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल जो है देना होगा। तो चलिए हम ऊपर की ओर हम सेलेक्ट करते हुए बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर लें। उसके बाद हम यहाँ सबसे ऊपर में जो है ऑप्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस ऑप्शन को फिल नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ दूसरे ऑप्शन पर हम देख लेते हैं। यहाँ दूसरे ऑप्शन पर है नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपका जो नाम है अपने बैंक अकाउंट में जो है आप वही यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद उसके नीचे है बैंक नेम, आपका किस बैंक में अकाउंट है, HDFC, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसका नाम जो है आप यहाँ फिल कर दें। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड जो है फिल कर देंगे जो आपके पासबुक में दिया रहता है। उसके बाद आपको यहाँ उसके नीचे है स्विफ्ट BIC कोड जो है, या आप स्विफ्ट कोड भी बोल सकते हैं, आप उस स्विफ्ट कोड को यहाँ फिल करना होगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में सर्च करके स्विफ्ट कोड आप अपने बैंक अकाउंट का डाल सकते हैं या अपने बैंक से पता भी कर सकते हैं, अपने बैंक मैनेजर से आपको स्विफ्ट कोड वहां मिल जाएगा, आप उस स्विफ्ट कोड को यहां फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसके नीचे अकाउंट नंबर फिल करने के लिए कहा जा रहा है, आप यहां अपने अकाउंट नंबर जो है बैंक का आप यहां फिल कर दें। उसके बाद उसी बैंक अकाउंट नंबर को आपने यहाँ रीटाइप अकाउंट नंबर के ऑप्शन पर फिल कर दें। तो चलिए सारा फिल करने के बाद हम स्लाइड अप करते हुए नीचे की ओर हम बढ़ रहे हैं। सारा फिल करने के बाद आपको यहाँ राइट बॉक्स पर जो टिक लगा हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप उस यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो है सक्सेसफुल जो है आपको इस तरह से मैसेज जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है एडसेंस से लिंक हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं या एडिट कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में आपको नोटिफिकेशन जो था पहले वाला होल्ड वाला पेमेंट होल्ड आपको वो हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।